ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस सीरीज़ में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले ही कवर कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने देखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। हमने उसमें देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से थे वो तीन पार्ट? क्रस्ट, मेंटल एंड क्रोड। ठीक है, इन तीन पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते थे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट ज्योग्राफी बाय विकास सर में जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चट्टान के बारे में। चट्टान, जिसे रॉक के नाम से भी जाना जाता है। चट्टान शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी दृढ़ एवं कठोर स्तरखंड से लिया जाता है, परंतु पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल से मिलने वाली पदार्थ, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या फिर चौक की भांति कोमल, चट्टान कहलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कई सारी किताबों में आप पाएंगे कि चट्टान पृथ्वी के भूपटल पर पाया जाने वाला एक कठोर स्थलखंड होता है। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन मिलेगा, चट्टान भूपटल पर पाया जाने वाला एक कठोर स्थलखंड होता है, जो कि एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। मैं इसे गलत नहीं कहूँगा, लेकिन ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि कठोर के साथ साथ वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं, वो कोमल भी हो सकते हैं। चट्टान हमारी कोमल भी हो सकती है, तो वही हमारी इस लाइन में लिखा हुआ है। परंतु पृथ्वी के ऊपर, यानी कि पृथ्वी के भूपटल में मिलने वाली पदार्थ, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या फिर चौक की भांति कोमल, चट्टान कहलाते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, ऑर्थर होम्स का मत है कि शैल अथवा चट्टानों का अधिकतम भाग खनिज पदार्थों का सम्मिश्रण होता है। तो दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि सैल अथवा चट्टानों का मैक्सिमम पार्ट खनिज पदार्थों का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, हमारे जो ये होते हैं चट्टान, इनमें बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, तो खनिज पदार्थों के सम्मिश्रण कोमल भी हो सकते हैं और कठोर भी हो सकते हैं, वो सभी चट्टान ही हैं। इस आधार पर चट्टानों की परिभाषा इन शब्दों में व्यक्त की जा सकती है। कौन से हैं वो शब्द? चट्टान अपनी भौतिक स्थिति का वह पिंड है जिसके द्वारा धरातल का ठोस रूप परिणत हुआ है। तो दोस्तों, चट्टान क्या है? चट्टान वो भौतिक स्थिति है, ठीक है, भौतिक स्थिति है जिसके कारण हमारी पृथ्वी बन सकी। पृथ्वी का जो धरातल है, ठीक है, धरातल वाला पोर्शन है, स्थलखंड है, वो बन सका किसके कारण? चट्टान के कारण ही। वास्तव में भूपटल के निर्माण में सहयोग देने वाली सभी तत्व शैल या चट्टान कहलाते हैं। ठीक है, भूपटल के निर्माण में जितनी भी तत्व ने सहयोग किया, उन सभी को शैल या चट्टान कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अब चट्टान के बारे में डेफिनेशन पता चल गया। अब कहीं भी आपसे कोई चट्टान की डेफिनेशन पूछता है तो आप इजीली बता सकते हैं। अब आता है चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है, हमें इसी के बारे में पढ़ना है, इसी का एक्सप्लेनेशन देखना है आज, कि चट्टान को हम कितने पार्ट में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसको हम तीन पार्ट में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है आग्नेय चट्टान, जिसे इग्नियस रॉक कहते हैं। दूसरा है अवसादी चट्टान, जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और तीसरा है कायंत्री चट्टान, और इसी को रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, इसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, तो चट्टानों को हम थ्री पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन देखते हैं सभी का। सबसे पहले आता है आग्नेय चट्टान, जिसे इग्नियस रॉक के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है ये। फर्स्ट पॉइंट में पढ़ता हूँ, पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में तरल रूप में थी, यही आग्नेय चट्टान बनने का मुख्य कारण बनी। तो दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब पृथ्वी हमारी बनी थी तो वो एक आग का गोला थी और वो एक तरल अवस्था में थी। ठीक है, तो जब तरल अवस्था में थी, आग का गोला थी, इसका क्या मतलब है कि जगह जगह पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते थे और उनमें से निकलने वाला लावा इधर उधर फैलता रहता था। ठीक है, तो इसी से आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति हुई है। तो ये कहना चाह रहा था फर्स्ट पॉइंट, कैसे उत्पत्ति हुई है ये सेकंड पॉइंट से क्लियर होगा। आग्नेय चट्टान की रचना तप्त एवं गर्म मैग्मा के ठंडे होने से हुई है। ठीक है,
तरल मैग्मा के। तो आग्नेय चट्टान की रचना कैसे हुई है कि ज्वालामुखी से निकलते समय जो मैग्मा और लावा होता है वो फैल जाता है और जब वही मैग्मा ठंडा हो जाता है तो एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है और ऐसे चट्टान को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण हुआ, इस कारण इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि इन चट्टानों का निर्माण तो तब से हो रहा है जब पृथ्वी बन ही रही थी, जब पृथ्वी अपने इन्फेंट स्टेट में थी उस समय से आग्नेय चट्टान की रचना हो रही है। ठीक है, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी की उत्पत्ति से आज तक होता आया है। तो दोस्तों जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होते थे और उसमें से लावा निकलकर ठंडे हो जाते थे और आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेते थे, और आज भी यही होता है, आज भी आग्नेय चट्टान बनते हैं। जहाँ जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है और उससे लावा निकल के जब ठंडा हो जाता है तो ऐसे चट्टान बनते हैं जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो अब हम विशेषताएँ देखते हैं। आग्नेय चट्टान लावा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनी है। तो दोस्तों ये आपको पता ही हो गया है अब कि आग्नेय चट्टान लावा के ठंडा होने से बनी है, इस कारण यह दावे ठीक है इस कारण यह रवेदार और दानेदार होती हैं। तो दोस्तों एक होती है लेयरिंग, ठीक है, परतदार बोलते हैं उसको, एक होती है परतदार चट्टान और एक होती है रवेदार चट्टान। तो जो हमारी आग्नेय चट्टान है वो लावा के ठंडे होने से बनी है, ना कि एक दूसरे के ऊपर लेयरिंग होने से, इसलिए इनकी जो चट्टान होती हैं वो रवेदार और दानेदार होती हैं। ठीक है, इनके रवों की बनावट में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो इनके रवों की बनावट में भी आप अंतर देखेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे रवे बिल्कुल सेम दिखते होंगे, इनमें अंतर पाया जाता है। और वो अंतर कैसे पाया जाता है, वो होता है मैग्मा के ठंडे होने की स्पीड के ऊपर। रवों की बनावट मैग्मा के ठंडे होने की गति पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया ना। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। जब मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ऊपरी सतह पर ठंडा होता है तो ठंडे होने की गति तीव्र होती है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है और मैग्मा यानी कि लावा जब बह जाता है इधर उधर और वो ठंडा होने लगता है तो ऊपरी सतह पर ठंडा होने की जो गति है वो तेज होती है। इस कारण चट्टान में रवे बहुत बारीक होते हैं, तो जिसके कारण क्या होते हैं, चट्टान में जो रवे बनते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं। कुछ रवे तो इतने बारीक हो जाते हैं कि उन्हें बिना लेंस के तो हम देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी रवे बनते हैं जिनको देखने के लिए लेंस की ज़रूरत पड़ती है, हम अपने नग्न आँखों से उसे नहीं देख सकते हैं। परंतु सतह के नीचे मैग्मा के ठंडे होने की गति बहुत ही धीमी होती है। ठीक है, ऊपर क्या होता है, ऊपर तो बहुत ही तेज़ी से ठंडा हो जाता है लेकिन जो सतह के नीचे है उधर बहुत ही धीमी गति से वहाँ पर ठंडा होता है। इस कारण चट्टान के रवे या कण बड़े होते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि अगर लावा जल्दी से ठंडा हो गया तो उसका जो रवा यानी कि उसके जो रवेदार और दानेदार जो भी ब्लॉक्स बनेंगे वो बहुत ही छोटे बनेंगे, लेकिन अगर वही ठीक है बहुत ही देर में ठंडा हो रहा है, बहुत ही लेट में ठंडा हो रहा है, धीमे धीमे वो ठंडा हो रहा है, तो उस केस में जो उनके रवे या फिर दानेदार ब्लॉक्स बनेंगे वो बहुत ही बड़े बनेंगे। ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है। जैसे ग्रेनाइट चट्टान के रवे बड़े होते हैं, ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान के रवे कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। आग्नेय चट्टानें बहुत ही कठोर होती हैं जिसके कारण वर्षा जल प्रवेश नहीं कर पाता। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक होती है परतदार चट्टान, तो उसमें क्या होता है, वर्षा का जल ईजिली उनके अंदर घुस जाता है, लेकिन आग्नेय चट्टानों के साथ ऐसा नहीं है। ये क्या होती है, इनमें लेयरिंग तो होती नहीं है, परतदार तो होती नहीं है, ये रवेदार होती हैं, तो इनमें क्या होता है, वर्षा का जल नहीं प्रवेश कर पाता है। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती, ये तो आपको पता ही है। आग्नेय चट्टानों में बाकी चट्टानों की अपेक्षा अपक्षय की क्रिया बहुत ही कम होती है। अपक्षय और अपरदन हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं, ठीक है, जैसे वायु या जल, तो ये सब ऐसे कारण हैं जिनके कारण, जैसे कोई रॉक है उनमें लगातार धूप पड़ रही है, लगातार पानी पड़ रहा है उस पर और हवा भी चल रही है, तो क्या होगा, रॉक धीरे धीरे टूटने लगेगा। तो टूट के जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, टूटने की जो क्रिया होती है उसे अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अपक्षय। तो इनमें बताया जा रहा है कि जो आग्नेय चट्टान है
इनमें अपक्षय की क्रिया बहुत ही कम होती है क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होते हैं। ऐसे रॉक्स बहुत ही मजबूत होते हैं, इनमें पानी भी नहीं जा सकता अंदर, जब पानी जाएगा ही नहीं अंदर तो इसको तोड़ भी नहीं पाता है। और पानी के जाने से क्या होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं और वो भी नहीं हो पाते इसके अंदर, तो इसलिए इनमें अपक्षय की जो क्रिया होती है वो बहुत ही कम होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, आग्नेय चट्टान मैग्मा के ठंडा होने से बनी है, इस कारण इनमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। दोस्तों इनमें जीवाश्म भी नहीं मिलता है, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये मैग्मा तथा लावा के ठंडा होने से बनी है। मतलब आप सोचिए, ज्वालामुखी के अंदर से जो गर्म गर्म लावा निकल रहा है और वही ठंडा हो जा रहा है, तो क्या उनमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जीवाश्म मिलें? इतने गर्म जगह में जीवाश्म सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, ये तो उल्टा मार डालेंगे उन्हें, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जीवाश्म इनमें पाए ही नहीं जाते हैं, ठीक। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या आग्नेय चट्टान में जीवाश्म मिलते हैं, तो आपको बताना है कि नहीं मिलते हैं। ये चट्टानें आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न मानी गई हैं। इन चट्टानों में चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लैटिनम आदि पाए जाते हैं, ठीक है। ये चट्टानें बहुत ही आर्थिक रूप से संपन्न होती हैं, ठीक है। जिसके पास भी ऐसी चट्टानें हैं, जिन भी स्टेट्स के पास में, वो बहुत ही रिच स्टेट हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ ये पॉइंट मेंशन कर रखा है कि बिटुमिनस कोयला एक आग्नेय चट्टान है। वैसे तो हम उदाहरण देख ही रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको अलग से मेंशन कर रखा है। बिटुमिनस कोयला एक आग्नेय चट्टान है। एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ लेता है कि बिटुमिनस कोयला क्या है, आग्नेय औषधीय कायांतरित, तो आपको बताना है कि ये आग्नेय चट्टान है। उदाहरण, अब हम उदाहरण देखते हैं आग्नेय चट्टानों के। उदाहरण कौन कौन से हैं, पहला है ग्रेनाइट, दूसरा है ग्रेवो, फिर है बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, डायोराइट, डेलोराइट, एंडेसाइट, पेगमाटाइट, ये सारे उदाहरण हैं आग्नेय चट्टान के, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद देखेंगे औषधीय चट्टान। तो दोस्तों औषधीय चट्टान को बताने से पहले मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि चट्टानों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चट्टानों के अध्ययन करने वाले साइंस को पेट्रोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट है जो बताया, जो कि इस नोट्स में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं औषधीय चट्टान के बारे में। औषधीय चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। इसमें क्या होता है देखते हैं, इन चट्टानों का निर्माण अपरदन के द्वारा प्रवाहित पदार्थ से होता है। तो मैंने आपको बताया था अपक्षय अपरदन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि पदार्थ टूटते हैं, टूटने के बाद वो बहते रहते हैं, फिर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वो किसी ताप दाब या किसी भी कारण से सॉलिड बन जाते हैं, तो एक चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, और ऐसे ही चट्टान को हम औषधीय चट्टान कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ठीक है। इन चट्टानों का निर्माण अपरदन के द्वारा प्रवाहित पदार्थ से होता है। इन औषधीय चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी है, ठीक है, हमारे पदार्थ हैं, एक जगह से बह के चले गए, फिर उसके बाद दूसरा कोई पदार्थ आया वो भी बह के चला गया और एक जगह इकट्ठा होता रहा, तीसरा पदार्थ आया वो भी बह के चला गया इकट्ठा होता गया, कोई वायु के माध्यम से कोई पदार्थ उड़ के आया वहाँ पे, तो ऐसे समय में क्या होती है, इसमें एक लेयरिंग बन जाती है, परतदार परत बनता रहता है। तो इसीलिए जो ऐसी चट्टानें होती हैं वो परतदार चट्टानें होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें अवसाद परतों के रूप में जमा होता रहता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये परतदार क्यों होते हैं। अपक्षय एवं अपरदन के विभिन्न साधनों द्वारा सतह पर स्थित चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबा बहा कर ले जाया जाता है और समुद्री तलों में जमा होता रहता है। इस प्रकार अंत में परतदार चट्टान की रचना होती है। दोस्तों इसी को तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है, अपक्षय अपरदन के कारण बहुत सारे पदार्थ एक जगह से टूट के इकट्ठा होते रहते हैं, ठीक है। जैसे समुद्र है या नदी है, वो क्या करते हैं, जो अपक्षय अपरदन के कारण बहुत सारे पदार्थों को लाते रहते हैं और किनारे उसको इकट्ठा करते जाते हैं, और वही इकट्ठा होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो चट्टान का रूप धारण कर लेता है, और ऐसी चट्टानें परतदार होती हैं, ठीक है, वो औषधीय चट्टान कहलाती हैं। बाद में परतदार चट्टानों की रचना एक निश्चित क्रम में होती है।
सबसे पहले बड़े टुकड़े जमा होते हैं, बाद में महीन कण जमा होते हैं, ठीक है। तो बड़े टुकड़े तो नीचे ही होंगे ना, उसके बाद में महीन जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो ऊपर होते हैं। तो इसी कारण ऐसे जो होते हैं निश्चित क्रम में ही होते हैं, ठीक है। बड़े वाले टुकड़े जो है वो छोटे होते हैं, और महीन कण जो होते हैं उसके बाद में होते हैं। अब हम दोस्तों इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। विशेषता देखना बहुत ज़रूरी है इनका। इसमें क्या देख रहे हैं हम कि इन चट्टानों का निर्माण चट्टानों के चूर्ण एवं जीवाश्म के एकत्रीकरण से होता है, ठीक है। कई एक ही लाइन हम लोग कई जगह पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, चट्टानों के चूर्ण जो चट्टान होते हैं दूसरी टाइप की, वो टूट जाती हैं और बह बह के एक जगह इकट्ठा होती रहती हैं, या कोई जीवाश्म या कोई जीव भी मर जाता है वो भी वहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाता है, तो इन सब के एकत्रीकरण से होता है, ठीक है, इन चट्टानों का निर्माण। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये तो हमें पता ही, जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, वो भी हमें पता है। दो परतों के बीच के भाग को संयोजक सतह कहते हैं, ये नहीं पता हमें, ठीक है। जैसे दो परतें हैं, एक चट्टान है उसके ऊपर दूसरी चट्टान है, जो बीच का पोर्शन होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे संयोजक सतह, ठीक है। संयोजक सतह मतलब दोनों के जो हमारा जो दोनों का सरफेस है, दोनों का सतह है, उसको हम कहेंगे संयोजक सतह। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, ये चट्टानें भूपृष्ठ के बहुत बड़े भाग में पाई जाती हैं। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भूपृष्ठ के जो हमारा क्रस्ट है उस पर सबसे ज़्यादा अगर कोई चट्टान पाई जाती हैं तो वो होती है हमारी औषधि चट्टान। धरातल का 75% भाग औषधि चट्टानों से ढका हुआ है, बाकी का 25% आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें हैं, ठीक है। तो ये जो चट्टान होती है औषधि चट्टान, वो पूरे धरातल पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है, ठीक है। औषधि चट्टानों में ये सब पाया जाता है, लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने की चट्टान, ये सब होता है उसके अंदर। अब हम देखते हैं एग्जांपल, उदाहरण, बलुआ, चूना पत्थर, स्लेट, ठीक है, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट आदि इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। तो औषधि चट्टान के मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। अब आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर पे, उसे बोलते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, इसे मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रूपांतरित चट्टान अन्य चट्टानों के रूपांतरण के फलस्वरूप निर्मित हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपने इसके नाम पर ध्यान दिया तो समझ लीजिए आपको इन चट्टानों के बारे में सब कुछ पता हो गया। कायांतरित या फिर रूपांतरित, ये क्या होते हैं, ये ठीक है मेटामॉर्फिक होते हैं, यानी कि ये दूसरे टाइप के जो चट्टान होते हैं उनके रूपांतरण के बाद बने होते, ये वही हैं और सादी चट्टान होते हैं या फिर आग्नेय चट्टान होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इनका रूपांतरण हो जाता है। तो जब ऐसे चट्टान जो पहले कभी आग्नेय चट्टान थी लेकिन आज के समय में उसका पूरी तरीके से रूपांतरण हो चुका है, पहले अपनी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स उसने खो दिया है पहले वाले समय की, अब जो एक नए चट्टान के बारे में उसको हम आग्नेय चट्टान बोल ही नहीं सकते हैं, तो ऐसे चट्टान को हम लोग कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना, जैसे पहले कोई औषधि चट्टान थी लेकिन अब उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सब खो गई है, ठीक है, परतदार वगैरह सब इधर उधर चले गए हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे चट्टान जो पहले किसी दूसरे चट्टान के नाम से जानी जाती थी लेकिन उनके स्वरूप में रूपांतरण हो गया है, बदलाव आ गया है, जिसके कारण उसे रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टाने कहते हैं, इसे ही मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, रूपांतरण शब्द मेटामॉर्फोस शब्द से लिया गया है। दोस्तों रूपांतरण किससे लिया गया है, मेटामॉर्फोस, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रूप में परिवर्तन, ठीक है, यानी कि जिसके रूप में परिवर्तन हो जाए ऐसे चट्टान को हम लोग कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतर की क्रिया चट्टानों में अधिक ताप, अधिक भार एवं दाब, संपीड़न एवं अन्य कारणों से होती है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि रूपांतरण क्यों हो जाता है आखिर चट्टानों का, तो वो होता है अधिक ताप,
ठीक है। मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सूर्य सनलाइट पड़ रही है, इसके कारण उसमें जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बदल जाते हैं। अधिक भार या दबाव, बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ता है जब चट्टानों पर, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कई बार बदल जाते हैं। संपीड़न, संपीड़न का मतलब होता है कंप्रेशन, जब हम कंप्रेस कर देते हैं किसी चीज़ को, तो कंप्रेशन या अन्य कारणों से, कई सारे कारण होते हैं जिसके कारण चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टानों का रूप बदलता है, ये तो मैंने पढ़ा ही, ठीक है। यह बदलाव दो रूपों में संभव होता है, दो तरीके से रूपांतरित हो सकती हैं चीज़ें। एक होती है भौतिक रूपांतरण, जिसे फिजिकल मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं, और एक होती है रासायनिक रूपांतरण, जिसे केमिकल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। तथा कभी कभी ये दोनों रूपांतरण साथ साथ भी कार्य करते हैं। कभी कभी हम देखेंगे कि केमिकल हो रहा है, कभी कभी देखेंगे फिजिकल हो रहा है, कभी कभी देखेंगे कि ये दोनों एक साथ ही हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने देखा अत्यधिक ताप दाब संपीड़न से रूपांतरण के कारण बनी कायंत्रित चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या कह रहा है कि जो रूपांतरित चट्टानें बनी हैं वो क्यों बनी हैं, क्योंकि उनमें अत्यधिक ताप, अत्यधिक दाब और अत्यधिक कंप्रेशन, ठीक है, उसे बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करके बनाई जाती हैं, इसलिए उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं ऐसे ही रूपांतरित चट्टानों में, ये भी आपको याद रखना है। जीवाश्म केवल अभी तक अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, रूपांतरण की क्रिया के दौरान ही वे नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो, ठीक है, ये क्या हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है, उसी बीच में जो जीवाश्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आपको ये पता चल गया आज। अब हम देखते हैं रूपांतरण के कारक, यानी कि एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। द फर्स्ट वन इज हीट, यानी कि ताप। अभी हमने आपको बताया था कि ताप से रूपांतरित हो जाती हैं चीज़ें। अब देखते हैं कैसे हो जाती है रूपांतरित। चट्टानों के रूपांतरण के लिए ताप प्रमुख कारक है, क्योंकि कई बार पृथ्वी की सतह के नीचे अधिक ताप के कारण मूल चट्टानों में बदलाव आ जाता है। रूपांतरण के लिए आवश्यक ताप ज्वालामुखी के उद्गार से तथा आंतरिक भाग से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको तो ये पता ही है कि पृथ्वी के अंदर अगर हम जैसे जाते रहते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि कई बार ऐसा क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो चट्टानें होती हैं उसके मूल स्वरूप में बदलाव आ जाता है। तो ये जो बदलाव होता है ये हमने पहले नंबर पे देखा ताप के कारण हो गई, ये ज्वालामुखी के उद्गार से भी हो सकते हैं और पृथ्वी की आंतरिक भाग से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर यानी कि हीट, हीट से हमने देखा कि रूपांतरित हो जाती हैं चीज़ें। दूसरा है कंप्रेशन, जिसे संपीड़न भी कहते हैं। इनमें क्या होता है देखते हैं दोस्तों, जब पर्वत, ठीक है, जब पर्वत निर्माण की क्रिया होती है तो भू हलचल के समय चट्टानों में मोड़ आने लगता है, उससे उत्पन्न दबाव के कारण चट्टानों का संगठन एवं रूप में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार का संपीड़न मुख्यतः पर्वतीय भागों में अधिक देखने को मिलता है। दोस्तों जब हम आपको बताएंगे कि पर्वत निर्माण कैसे होता है, अभी हम अगले पॉइंट में, अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे, अगले जब हम नेक्स्ट वीडियो आएगी, अभी हम दो तीन चीज़ें और देखेंगे, जैसे ज्वालामुखी देखेंगे, उसके बाद हम पर्वत निर्माण के बारे में देखेंगे कि पर्वत बनते कैसे हैं, तो तब हम आपको बताएंगे कि क्या होते हैं ये टेक्टोनिक्स प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे से टकराती हैं और वही उभरकर ऊपर आ जाती हैं जो कि एक पर्वत निर्माण करती हैं। तो उस समय क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के साथ लड़ी, ठीक है, तो उनमें कुछ हलचल हुआ और उनमें क्या होती है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर कई बार चढ़ जाती हैं। तो उस समय क्या होता है कि वहाँ पर उपस्थित जो पहले से ही बहुत सारे रॉक वहाँ पे पड़े हुए थे, यानी चट्टान वहाँ पे पहले से ही थे, उनकी चट्टानों में कंप्रेशन होने लगता है। तो जब कंप्रेशन होता है तो फिर वही होता है कि वो अपनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कई बार बदल देते हैं, वो ऐसे चट्टान में बदल जाते हैं जो वो थे ही नहीं। तो ऐसे चट्टानों को ही हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो एक कंप्रेशन भी उसका कारण होता है, ठीक है, हीट होता है, वैसे ही संपीड़न भी उसका कारण होता है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, घोल यानी कि सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, कई बार जल के साथ CO2 या O2 या अन्य गैसों के मिलने से रासायनिक क्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे चट्टानों के रासायनिक पदार्थ तथा खनिज जल के साथ मिलकर घुल जाते हैं और चट्टानों में रासायनिक क्रियाओं के कारण संगठन में अंतर आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या देखा कि क्या होता है, जो चट्टान होते हैं
उनमें कई बार आपने देखा होगा कि चट्टान उस पर जल भर गया, ठीक है, जल होता है कि चट्टान के अंदर, उसके ऊपर जल आ गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये हमारे प्रकृति में तो बहुत सारी गैसें होती हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या अन्य गैस के मिलने से कई बार क्या होता है कि जल में केमिकल रिएक्शन हो जाता है। और चट्टान के अंदर तो हमने देखा ही कि बहुत सारी धातुएं पहले से ही पाई जाती हैं, तो वे सारी धातुएं और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सारे मिलके केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं और कई बार अपने कंपोजिशन यानी कि जो चट्टान जैसे बना हुआ था, जिस रूप में संगठित था चट्टान, उनमें अंतर आ जाता है। तो अंतर आ गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब वो रूपांतरित चट्टान में बदल गया, जैसा भी चट्टान रहा हो पहले, अब वो रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में बदल गया। अब हम देखते हैं रूपांतरित चट्टान के एग्जांपल। पहला तो है संगमरमर, उसके बाद है क्वार्ट्जाइट, फिर उसके बाद है नीस, फिर है शीस्ट, फिर है फाइलाइट। ये सारे एग्जांपल हैं हमारे रूपांतरित चट्टान के। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको आज के एक एक पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है, रॉक के डेफिनेशन समझ में आ गई, आग्नेय औषधि और रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने क्या होती हैं वो भी आपको समझ में आ गई। और अगर दोस्तों आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप हमसे वो कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में आपके हम सारे जितने भी डाउट्स हैं वो हम आपके क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में, यानी कि वोल्केनो के बारे में, वोल्केनो कितने टाइप्स के होते हैं, वोल्केनो क्यों आते हैं, वोल्केनो आते हैं तो उससे क्या क्या खतरा होता है, वोल्केनो आते समय हम किस कैसे इसको मेजरमेंट करते हैं कि छोटा वोल्केनो आया, बड़ा आया, कैसा आया, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगला वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।